लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बिजनौर से ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है। आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने ये आरोप लगाया है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे की आपको अपडेट हमेशा मिलती रहे। बता दें आपको, चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार के गांव महेशबरी जट में बूथ नंबर 206 में ईवीएम खराब होने का आरोप लगाया, जबकि उक्त बूथ पर पोलिंग शुरू होने से पूर्व वीवीपैट में खराबी हुई थी, जिसको मतदान शुरू होने से पूर्व भी सही कर दिया गया था। बता दें आपको, जोनल मजिस्ट्रेट मनोज कुमार गौड़ अधिशासी अभियंता केंद्रीय भंडार खंड 3 कालागढ़ ने बताया कि उक्त बूथ पर चुनाव के दौरान मशीन में कोई दिक्कत नहीं आई। पोलिंग शुरू होने से पूर्व जो दिक्कत आई थी वो समय पर ही ठीक हो गई। पोलिंग शुरू कर दिया गया था, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई थी। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।